काम टू कानूबारी। तो भाई ये डिस्ट्रिक्ट आ गया है अरुणाचल। तो अपन अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर ना कागज वगैरह कागज दिखाना पड़ता है ना, तो कागज वगैरह है तो अपन इतना टाइम नहीं है, और जब जाना नहीं है तो क्यों मतलब का टाइम पास करें। तो हम असम की धरती से निकल जा रहे हैं और ये अरुणाचल की धरती है और अपन यहाँ से लौट चले। और जो पीछे देख रहे हो वो अरुणाचल है, लेकिन अभी जाके फायदा नहीं है क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है और कागज वागज दिखा के जब जाना ही नहीं है तो फायदा क्या है। अभी बताया आरूप ने कि उसके ससुराल जा रहे हैं, तो उसका ससुराल है यहाँ पे, तो यहाँ से मिठाई ले चलते हैं। भाई पहली बार जा रहा हूँ, मतलब गर्मी लग रही है, अच्छा लग रहा है अभी टी शर्ट में, और मिठाई वगैरह ले ली है। आरूप अभी चिकन या फिश ले रहा है, तो आज पार्टी होगी भाई, मस्त चिकन लिया है तो आज पार्टी है भाई। और इसी चौक से गए थे, ये चौक है, यहीं पे रुके थे, तो यहाँ से ही अपन ने मिठाई ले ली है और चिकन भी ले लिया। तरफ चायपत्ती के गार्डन है और पीछे से अपनी हिमालय जा रही है, मतलब क्या ही खूबसूरती है। कैमरे में तो मतलब 20-30% ही पता चल रहा है, जो हवा की फील जो आंखों से दिख पा रहा है ना, वो तो ऑसम है। माना जी ने अपने फेफड़े को इतना शुद्ध हवा लेने के लिए, फेफड़ा भी बोल रहा है कि भाई खा लिया है ये, मतलब इस तरह की आवाज़ आ रही है अंदर से भाई, इस तरह की हवा तो सालों से अंदर गई नहीं है। जंगल के बीच में से आए, अरूप बता रहा था कि यहाँ पे हाथी भी निकलता है, तो रात को कई बार आया है ये यहाँ से, तो हाथी वाती भी मिले हैं इसको यहाँ पे। ऐसे पुल लद्दाख वगैरह जाते हुए, हिमाचल जाते हुए मिलता है, तो इस तरह का पुल मिला है और नीचे नदी बह रही है। भाई मेरे लिए भी पूरा नया एक्सपीरियंस है, टूरिस्ट स्पॉट की तरह है, तो वहाँ भी बस वगैरह आ रखी है, देखो बाहर से लोग आ रखे हैं यहाँ पे, वो सामने पब्लिक वगैरह है। अरूप ने बताया है कि थर्मल प्रोजेक्ट है बिजली बनाने का, मतलब यहाँ से पानी फिल्टर वगैरह होके फिर प्रोसेस होता है, तो ये प्लांट है। और ये पिकनिक स्पॉट भी है, और इस तरह से उस साइड नीचे ना लोग पिकनिक मना रहे, और पानी तो बहुत ठंडा होगा क्योंकि यहाँ की हवा ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। मज़ा ही आ रहा है यार, एकदम सुकून वाली जगह। चलो अपन ने थोड़ा बहुत यहाँ रुक के थोड़ा रील वगैरह बनाई और दो तीन शॉट लिए, बहुत ही मज़ा आ रहा है, सुकून भरी मतलब माहौल ऐसा सुकून भरा है ना, क्या ही बताऊँ। और ये देखो नीचे जो हो रहा है ना, पिकनिक वगैरह कर रहे हैं, यहाँ खाना वाना चल रहा है, तो गाड़ी वाड़ी लेके आए हैं, तो यहीं पे खाना वगैरह बना के लोग यहीं पे पिकनिक मना रहे हैं, और सामने पहाड़ी है और ऊपर टी गार्डन है, और नीचे ये नदी है,
और यहाँ पे अपनी हिमालयन खड़ी है, और ये देखो हिमालयन अपना यहाँ पे है मस्त। काफी टाइम हो गया भाई, शाम ही हो गई एक तरह से, तो ब्लॉगर लाइफ है, ये सब शूट करना है तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, तो मैंने जैकेट डाल ली है, पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है, तो फिर ठंड भी वैसे ही है। पूरा जंगल है और यहाँ से हाथी निकलता है, और अरू देख चुका है यहाँ बाइक में आते हुए हाथी, और ये अपनी हिमालयन जा रही है, इस तरफ पहाड़ी जंगल, फिर बीच में हिमालयन, और इस तरफ टी गार्डन। क्या ही बताऊँ कि जो एक्सपीरियंस है ना, वो जब आप आओगे नहीं, फील नहीं करोगे, हिमालयन में नहीं बैठोगे, तब तक नहीं पता चलेगा। बहुत लोग सोचेंगे कि यार क्या हिमालयन में जा रहे हैं, कार लेके जाना चाहिए, ये वो, तो भैया वो तो तभी पता चलेगा जब आप बाइक पे आओगे हिमालयन हो तो, और अच्छी बात है, हिमालयन में आओगे और ऐसी जगह पे आओगे और ऐसे आनंद लोगे, तभी उस फील को, और वो जो चीज़ है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो वो लेना पड़ता है। तो आप वीडियो में ले लो, लेकिन हवा जो एनवायरनमेंट है वो तो आप नहीं ले सकते हो, लेकिन वीडियो देख लो तो जो। और ये देखो ऑफ रोडिंग है, और ऑफ रोडिंग के लिए ही हिमालयन बनी है, और यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आ गई है, बीच में रास्ता बहुत अच्छा था और बन रही है, मतलब बीच बीच में रास्ता बनाया जा रहा है। तो फिर यही है कि आप जो वीडियो में देख रहे हो ना, मैं तो कहूँगा कि 30% ही आप इंजॉय कर पा रहे हो, 70% इंजॉय करना है, और मतलब 100% इंजॉय करना है तो आके खुद यहाँ आना पड़ेगा। और ये देखो इधर, मतलब क्या ही बताऊँ कि ऐसे घनघोर जंगल है ना, कि तुम तो रात को भी आए हो ना, ये रात को भी आया है देखो, और यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है, और रात को ही इसको हाथी वाथी मिले हैं यहाँ पे, और ये लियोपार्ड भी रहते हैं, हाँ लेपर्ड भी मिला है भाई। तो इतने घने जंगल है तो भाई क्या ही नहीं होगा, लेपर्ड तो लेपर्ड, हाथी तो छोड़ो, और भी पता नहीं क्या क्या होगा। और इस तरह के आर्मी के ट्रक चलते रहते हैं, और क्योंकि बॉर्डर एरिया है ना, अरुणाचल है और बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे कॉनवॉयज चलते रहते हैं सारा। एक ज़माना था यहाँ आना मुश्किल था, लेकिन अभी हालात बहुत बदल गए हैं। टी गार्डन तो अपने साथ साथ चल ही रहा है, और फिर हमें अभी अंदर जाना है ये, और ये है नामरू थर्मल पावर स्टेशन, देख रहे हो, हम लोग अभी अंदर आ गए हैं, और ये क्वार्टर है, मतलब सरकारी कंपाउंड में आते हैं, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर आ गए हैं, यहीं पर रात को स्टे होगा और कल सुबह अपन निकलेंगे। ये क्वार्टर्स बने हुए हैं थर्मल पावर स्टेशन के, अपन पहुंच गए लगभग क्या, पहुंच ही चुके हैं। पहाड़ी तो है ही है, टी गार्डन भी है, और बीच में ये थर्मल पावर स्टेशन के जो घर है वो है, और ये देखो हम घर भी पहुंच गए, और ये पहुंच गए, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ साथ। अपन पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन में, हम लोग फ्रेश हो गए आने के बाद, गर्मा गर्म खाना है, और अब भाई साहब अभी 4:30 बज रहे हैं और अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, चिकन भी बना है इसलिए थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि अरूप ने जो वहां से चिकन लिया था वो आके बनाया है इसने, मतलब यहाँ पे बना, वो बनाने के बाद फिश करी भी है, फिश फ्राई भी है, और ये सब बिल्कुल लोकल है। आने के बाद तो चाय और मिठाई उठाई खाई है, और उसके बाद अभी फटाफट गर्मा गर्म खाते हैं, और खुशबू आ रही है भाई साहब, एकदम लोकल चीज है। खाना वाना हो गया है, और यहाँ पे लाइट है, देखो सामने ये लाइट है, तो फेस लाइट मिल रही है, मेरे पीछे देखो बिल्कुल अंधेरा है, और अभी 5 बज रहे हैं जैसे दिखाया आपको। मुंबई में तो 5 बजने का मतलब है कि अभी तक धूप है, कैड़ी धूप है, और पीछे जो पहाड़ी है जो आपने रास्ते में देखा है वो बिल्कुल बगल में, मतलब हाथी आ सकता है, रात को भी आ सकता है कई बार, और शेर और तेंदुआ वगैरह तो है ही है, लेकिन चारों तरफ क्योंकि ये सरकारी कंपाउंड है तो बिजली विभाग वालों का है, तो फिर चारों तरफ से ना वो बिजली की तारे जो हल्के झटका देती है ना, तो उस तरह से प्रोटेक्शन है, तो कई बार हाथी आता है तो वो झटका लगता है तो वो चिल्लाता है,
तो उस तरह से रात को हो सकता है कि चिल्लाने की आवाज़ आए और जानवर की आवाज़ आए, ऐसा हो सकता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा हो तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि भाई देखो ये चीज़ है, तो अपने को भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब जंगली जानवर मतलब चारों तरफ है, तो उस तरह की स्थिति है। और आप सोचो क्या करोगे, कीर्तन करोगे अभी? तो यहाँ पे आने से वो चीज़ हो जाती है कि इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो आप करोगे क्या? हाथी है ये, बिल्कुल मतलब मस्त लेके आया ये, तो हिमालयन ऐसे ही हिमालयन नहीं है भाई, मतलब मज़ा ही आ गया। इतने गड्ढे गड्ढे ऑफ रोडिंग में ना, मतलब कमर में कोई झटका नहीं लगा और थकान भी नहीं हुई बिल्कुल भी। अभी बाहर निकलेंगे तो भाई मुलाकात हो जाएगी किसी ना किसी भाई जानवर से, तो अपन चलते हैं अंदर सेफ्टी के लिए। तो हो सकता है कि मैं अभी आपके सामने ब्लॉग कर रहा हूँ तो किसी की नज़र मेरे ऊपर हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी नज़र शेर या कोई भी जानवर के ऊपर एक बार पड़ती है तब तक वो 99 बार हमें देख चुका होता है। तो क्योंकि वो तो झाड़ी में है, कहीं ना कहीं से देख रहा होगा, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए भाई ठंड भी हो रही है, तो अभी खाना वाना हो गया है, अभी चलते हैं। तो अरूप बोल रहा है कि घर में क्या बैठेंगे, तो उसने कार निकाल ली है, कह रहे कि नियरेस्ट सिटी चलते हैं।